أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طارق كجي. वस्तमाई आसमान की कसम है, व तारिक और कसम है उसकी जो रात को आता है, वमा और क्या अदराका आपको बताए, वमा अदराका आपको कौन समझाए, कौन बता सकता है, मत तारिक रात को ही आने वाला क्या है, अन नजमु साकिब ये सितारा है चमकता हुआ। अल्लाह ने वही जो टाइम स्पैन है, अल्लाह ने उसकी कसम खाई के रात में आसमान पर सितारे आते हैं। देखिए असल में ये पूरी जो यूनिवर्स है ये सारी मिलकर जमीन को आबाद रहने के काबिल बनाने में लगी है। तो सितारे जो हैं ये हमें रोशनी और हरारत भेजते हैं। अल्लाह ने इतने फासले पर इनको रखा है कि हमें मिलती भी है रोशनी और हरारत रात में और बैलेंस भी रहती है। अगर हर वक्त सूरज रहता तो जमीन सड़ जाती, हम आबाद ना हो पा। और अगर रात में बिल्कुल गर्मी यानी हरारत और रोशनी ना हो तो फ्रीज हो जाए सब। तो अल्लाह पाक ने बड़ा हसीन निजाम बनाया जिसके नतीजे में रात के वक्त एक खास लेवल का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अल्लाह हमारे लिए, और खास लेवल की रोशनी होती है जिसकी वजह से ये चरिंद परिंद और हम सब मखलूकात अपने आप को जिंदा रख पाए। तो इस पर गौर करें तो ये इतना अजीम शान निजाम है और एक लम्हे की जो है इसमें देर नहीं होती, कमी बेशी नहीं होती। तो अल्लाह कहते हैं कि इस निजाम पर गौर करो, मैं इस निजाम की कसम खाता हूं कि तुम लोगों को बनाया गया है एक मकसद के तहत, उस मकसद का पहला पड़ाव ये दुनिया है। इस दुनिया में जो रहेगा सिर्फ एक मकसद के लिए रहेगा कि वो या तो जन्नत के लिए सेलेक्ट होगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर वो जन्नत में नहीं जाता तो फिर जहन्नुम में है। तो जन्नत में जाना हमारा पहला गोल है और यही अल्लाह ने हमें यहीं तक बताया है। अब जन्नत में हम रहेंगे तो क्या करेंगे, आई डोंट नो, कोई भी नहीं जानता। जन्नत का कोई मकसद होगा, मेरा ख्याल है होगा, बेमकसद तो कुछ भी नहीं होता। तो जन्नत का भी कोई मकसद होगा, वो मकसद क्या है पता नहीं, वो जन्नत में जाके पता लगेगा ना। क्योंकि तो जन्नत में लेवल और होगा, हमारी सोच का जिंदगी बदल जाएगी ना। देखिए अभी हम एक फानी इंसान है, हमारी जिंदगी का टोटल स्पैन 65-70 साल, 80 साल, बड़ी दौड़ लगाएंगे 100 साल फिर खत्म हो जाना है हमें। और उसमें भी पहला हमारी जिंदगी के 15 साल तो कमजोरी में गुजर जाते हैं, बच्चे हैं, फिर आखिरी हिस्सा भी कमजोरी में चला जाता है, बूढ़े हो गए। तो हम अपनी उस महदूद सोच के मुताबिक सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा बुढ़ापा सेफ हो जाए, मेरी बीमारी में मेरा इलाज हो जाए। हम इन्हीं चीजों पर रहते हैं क्योंकि जिंदगी ऐसी है हमारी। लेकिन जन्नत में हम चेंज हो जाएंगे, हम जिस्मानी एतबार से मजबूत हो जाएंगे, सब जवान हो जाएंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा, किसी को मौत नहीं आएगी, किसी को कोई बीमारी नहीं आएगी, रिस्क की कमी नहीं होगी, कमाना नहीं पड़ेगा। अभी तो हमारा सबसे बड़ा टेंशन ये है कि कमाएं कहाँ से, बिजली का बिल देना है, नलके का बिल देना है, बच्चे की फीस देनी है, क्या करें। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है इस वक्त में, हर अहद में, हर इंसान के लिए। लेकिन जन्नत में ये टेंशन तो होनी नहीं है। तो फिर जन्नत में हमारा अंदाज़े फिक्री चेंज हो जाएगा। खाली दुनिया में एक वो बंदा जो बिल्कुल माली एतबार से निचले तबके से ताल्लुक रखता है, जैसे कूड़ा चुनने वाले हैं या ये देखिए रद्दी अखबार वगैरह खाते हैं, आप उन लोगों को देखें, उनकी सोच कुछ और ही है ना। उन्हें ना कपड़े की फिक्र है ना जूते की, उन्हें सिर्फ पेट भर। फिर उससे ऊपर आ जाएं जैसे ये हमारे ड्राइवर हैं, हमारी काम वाली बहनें हैं,
अल्लाह इन लोगों सबको बरकतें दे। अब ये लोग जो हैं ये थोड़े से बेहतर, इनको थोड़ा सा के कोई बिजली का बिल बाजी पूरा नहीं हो रहा, बाजी ईदी ईद आ गई, कपड़े बनाने में बच्चे आ गए, इनकी फिक्र का लेवल यही है। फिर हम लोग हैं, हम लोगों का फिक्र का लेवल थोड़ा बेहतर है, बच्चे को स्कूल भेजना है, बच्चे ने अच्छा बड़ा अच्छा मेरा बच्चा है इसको पढ़ने के लिए फलानी जगह भेजना है, बच्चे की शादी अच्छे घर में करनी है, बच्चे की नौकरी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा हमारा लेवल बेहतर हो। जो बहुत पैसे वाले हैं उनको ये वाली फिक्रें हैं ही नहीं, है ना। अब उनकी फिक्रें और है, मैंने अपने बच्चे को पॉलिटिशियन बनाना है, या मैंने अपने बेटे को जो है कोई बड़ा जो इंटरनेशनल लेवल का है उहदा दिलाना है, या कोई ऐसा काम, उनकी वहां पर है परेशानियां। और जो उससे भी ऊपर है, गिने हुए चंद लोग, उनकी परेशानियां है मुल्क और कौम, फलाने मुल्क का क्या करना है, उसको कैसे गिराना है, फलाना मुल्क हमारा साथी है उसको उठाना है, अपने कौम को आगे लेकर जाना है, उनकी फिर और ही परेशानी। तो खाली पैसे का लेवल चेंज होने से आप देखिए इंसान की फिक्र चेंज हो जाए, तो सोचे कि जन्नत में जब सब कुछ ही चेंज होगा तो हमारी फिक्र का लेवल कुछ और। तो मैं ये समझती हूँ कि जन्नत का भी कोई ना कोई मकसद होगा, मगर दुनिया में अगर हमें बताया जाए तो हम समझ ही नहीं सकते, तो जन्नत में बताया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि मकसद कुछ भी हो, जन्नत में किसी काम के लिए फिजिकल एफर्ट नहीं करनी होगी, सिर्फ कहेंगे और हो जाए। ये जो हम लोगों का ख्वाब है ना, देखिए यूरोप अमेरिका में बहुत ज्यादा ऑटोमेशन हो गई है, तो वहां वो अपने ना मोबाइल के साथ अपने फ्रिज वगैरह सब अटैच कर देते हैं, सिस्टम लगा लेते हैं ऑटोमेशन का। अब क्या है कि वो घर से यानी कि निकले हैं ना ऑफिस से, घर आ रहे हैं, तो वो अपने मोबाइल पर कनेक्ट होकर वो कहते हैं कि घर कैसी चला दो भाई, वो मशीन है मैकेनिज्म है, वो आवाज पहचानता है, वो चला देगा कि भाई अब सुबह से तुम्हें चलता छोड़ नहीं सकता, और मैं जाऊं तो मुझे घर भी ठंडा मिले, तो क्या करना है भाई, ये चला दो, एसी चला दो, अच्छा फ्रिज में फलानी चीज कर दो, फलाना मैं रख के आया था अवन के अंदर खाना, अब बेक इतनी देर में हो जाएगा, 15 मिनट चाहिए, बेकिंग अवन ऑन कर दो, वो सारे काम कर देते, दरवाजे के सामने करीब पहुंचे दरवाजा खोल दो, ऑटोमेटिकली वो गेट खोल देंगे, कौन जिन भूत मैकेनिज्म है। तो इंसान चाहता है ना, मैं भी चाहती हूँ, वो पिछले दिनों पिछले रमजान में बड़ा मजे का किसी ने वो बनाया था कि कोई ऐसा वो आता ना मैसेज के, ये मैसेज इतने लोगों को भेजे तो खुशखबरी मिलेगी, तो वो बड़े मजे की किसी ने पोस्ट बनाई थी कि कोई ऐसा मैसेज है जो 10-12 लोगों को भेजने से बर्तन खुद ही धुल जाएगा अफ्तारी के बाद काम करने को नहीं करता तो हम सब ये चाहते हैं कहीं ना कहीं, पहले जादू के जरिए सोचते थे, अब साइंस के जरिए सोचते हैं कि सब कुछ ऑटोमेशन पर हो जाए, ये जन्नत में होगा, हम कहेंगे और काम हो जाएगा, लेकिन कहने वाला तो होना चाहिए। तो लिहाजा वहां भी मैं नहीं समझती कि वो बेमकसद होगी दुनिया, वो जन्नत बेमकसद होगी, उसका भी सबब होगा, असल दुनिया तो है ही नहीं, उसको आबाद करने के लिए ये चुनाव सेशन है, सिलेक्शन डिपार्टमेंट है हमारा, यहाँ सिलेक्शन और रिजेक्शन करके फिर वहां पर आबाद करेंगे। तो जो असल दुनिया है वो बगैर मकसद के है, ये कैसे हो सकता, कभी हुआ है ऐसा नहीं होता ना? जैसे एकेडमीज होती हैं फौज की या मुकाबले के इम्तिहानात की, वहां पे रखते हैं, तो वो इसलिए रखते हैं कि असल इदारे में जॉब देंगे, अब जिस असल इदारे में जाते हैं काम तो वहां करना होता है, यहाँ पर तो सिर्फ सिलेक्शन होनी होती है, तो इसी तरह दुनिया जो है ये सिर्फ एक सिलेक्शन है, असल में अल्लाह ने हमें आबाद करना है जन्नत में, तो जन्नत का भी कोई ना कोई मकसद तो होगा, वो जन्नत में जाएंगे तो समझ आए इंशाल्लाह, अल्लाह हमें अहले जन्ना में शामिल करे, आमीन। तो अल्लाह कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ इस पूरे अजीमुशान निजाम की, इस पर गौर तो करो, देखो तो सही, क्या इतना अजीमुशान निजाम मैंने बेवजह बना दिया है, कैसी बात कर, ये निजाम तुम्हें खुद बताएगा कि इस पूरी दुनिया का चलाने वाला कोई। हाँ देखिए अल्लाह कह रहे इन नहीं कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स लम्मा मगर अलैहा उस पर हाफिज हिफाजत करने वाला मौजूद, ये निजाम तुम्हें खुद बताएगा कि हर नफ्स पर, नफ्स से मुराद सिर्फ इंसान नहीं है, ये जो यूनिवर्सल बॉडीज है सूरज चांद सितारे और बेशुमार सितारे और सितारे,
अल्लाह कहते हैं उन सबका मुहाफिज मौजूद है अल्लाह, जिसके हुक्म से सारा सिस्टम चल रहा है, एक लम्हे की कभी ताखीर नहीं हुई। फल यांजुर, बस चाहिए कि गौर करे, अल इंसानु, इंसान में, मा खुलिक, कैसे उसे पैदा किया गया। यानी अल्लाह कहते हैं तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद मकसद है या नहीं, और तुम ये कहते हो कि दोबारा कैसे हम उठाए जाएंगे जब मर चुके होंगे, अल्लाह कैसे हमें खड़ा करेगा। तो इस सवाल का जवाब अपनी पैदाइश में ढूंढो, जब तुम पैदा हुए तो कौन सा कारनामा किया तुम्हारे माँ बाप ने जो पैदा हो गए। संजीदा बात है, क्या एक पानी का कतरा है ना एक स्पर्म, और मदर की तरफ से भी एक एग, और ये मिलते हैं और उसके नतीजे में एम्ब्रियो बनता है, और बस अल्लाह फजल कर देते हैं। असल तो उसका खून है। आप देखें ना, कई ऐसे कपल हैं, मैंने कई ऐसे कपल्स को देखा है जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, ना मियाँ को ना बीवी को, मगर उनकी औलादे नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? जिनकी औलादे हैं उनकी ही हुई है, और जिनकी नहीं हुई और प्रॉब्लम भी कोई नहीं है मेडिकली, उनकी क्यों नहीं हुई? एक मेरी एक खातून ने मुझे अपना गायनी की रिपोर्ट दिखाई, यानी वो मुझसे कह रही थी कि किसी ने जादू किया हुआ है, हमें किसी ने कहा है। तो मैंने कहा कि जादू से कोई किसी की औलाद नहीं रोक सकता। खैर वो बाद में समझ गई, मगर उन्होंने मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाई, कहती है कि ये देखें, उस पर लिखा हुआ था आइडियल गायनी, यानी कि उनका सारा टेस्ट वगैरह करके तो डॉक्टर ने ये कमेंट दिया था कि इनकी गायनोकोलॉजिकल जो कंडीशन है वो आइडियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मियाँ की रिपोर्ट भी ओके थी, मगर उनके 10 साल हो चुके थे शादी को, और अब तो खैर 15 होंगे, उनकी औलाद भी नहीं हुई। डॉक्टर्स ने कोई हेल्पिंग मेडिसिन भी दी, ये कर वो कर, फिर टोटके शोटके भी बताए, नहीं हुई। तो कहने लगी हमें किसी ने कहा है कि ये देखिए जादू से औलाद रोकती, तो मैंने कहा ये तो अकीदा ही शिर्क है, अगर अल्लाह ने देनी है कोई नहीं रोक सकता। तो कहने लगी फिर औलाद क्यों नहीं हो रही? मैंने कहा अल्लाह का हुक्म, सिर्फ अल्लाह का हुक्म, बाकी तो बेकार बात है, उसकी मर्जी। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह कहते हैं जब तुम्हें ये सवाल परेशान करता है अल्लाह हमें दोबारा कैसे पैदा करेंगे, एक बार सोच लो पहले कैसे पैदा हुए, कोई सबब था पैदा होने का? कोई नहीं था, बस हो गए पैदा। वही बात है कि एक पानी का कतरा मिलता है दूसरे पानी के कतरे से, और उन दो पानी के कतरों से एम्ब्रियो बनता है, और वो एक लिविंग थिंग है, और वो बढ़ता है, ग्रो करता है, वो पानी का एक मलबूबा सा जो है वो खून में बदलता है। अब देखिए पानी खून में कैसे बदलता है, बस अल्लाह का हुक्म है। एम्ब्रियो जो होता है ये तो बेसिकली एक थिक वाटर की तरह होता है, स्लाइम, जैसे आप देखें बच्चे की क्लियर स्लाइम होती है ना, जस्ट लाइक दैट, वहां से वो खून की बूंद में बदल जाए। अब आप सोचे पानी खून में कैसे कन्वर्ट हुआ, सल्ला का हुक्म है, फिर वो खून बोटी बन जाता है। अब ये सब चीजें अलग अलग है, ये एक चीज है ही नहीं, लेकिन वो खून बोटी बन जाता है, फिर वो बोटी बड़ी होती है, और वो बिल्कुल गोश्त का पीस ही होता है, उसकी कोई शेप कोई शक्ल नहीं होती। एक लेवल तक बड़ी होने के बाद वो शेप लेना शुरू कर देती है, तो सबसे पहले आउटर बॉडी बनती है, हाथ पैर, यानी आप देखें अल्ट्रासाउंड का हर मरहला आप देखें तो अकल हैरान रह जाती है, वो जो शेपलेस बॉडी होती है पहले वो शेप लेती है, शेप लेने के बाद चंद दिन बाद आप देखते तो सर निकल आए, हाथ निकल आए, पैर निकल आए, अच्छा बाजू बनते हैं हाथ नहीं होते, फिर हाथ बन जाते, टांगे बनती है पैर नहीं होते फिर पैर बन जाते, फिर आप देखें सर बनता है बच्चे का, अच्छा सर के ऊपर आंखें नाक कान कुछ भी नहीं होता, और उसके अगले आप जाते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड में तो आप देखें आंखें बनी हुई हैं, कान बने हुए हैं, लेकिन वो आंखें खोलता नहीं। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड आप देखें तो आप देखेंगे फिर वो आंखें खोल रहा होता, झपक रहा होता। क्या है ये? अल्लाह की शान, अच्छा ये अल्लाह का कुन है। बस आंखें बच्चे बाकायदा तो नहीं खोलते, मगर वो मूव करने के काबिल हो जाते। तो ये अल्लाह की शान है, आउट ऑफ नथिंग अल्लाह पाक जो है बच्चे को पैदा करते हैं। यही बात अल्लाह पाक बता रहे हैं कि तुम जो ये क्वेश्चन करते हो कि अल्लाह हमें दोबारा कहाँ से खड़ा करेगा, तो तुम पहली पैदाइश पर गौर करो, पहली पैदाइश जो हुई उसका सबब क्या था। असल सबब एक ही है, हर पे कुल,
कुल होलिका मीमा दाफिक, हमने से पैदा किया उछलने वाले पानी से, यानी जब डिस्चार्ज होता है तो एक प्रेशर के साथ होता है ना, उसकी तरफ इशारा है। यखरुजू जो निकलता है, मीम बाई ने सुल भी रीढ़ की हड्डी के दरमियान से, वत्तराई और सीने की हड्डियों के दरमियान से, जो डिस्चार्ज होता है मर्द हजरात को, उसकी तरफ इशारा है कि वो रीढ़ की हड्डी और जो है सीने की हड्डियां, इनके दरमियान से जो है पानी डिस्चार्ज होता है। ये इसका ट्रैक जो है ये यूरिन ट्रैक नहीं होता। ये गलत फहमी है आम लोगों में। तो यूरिन का ट्रैक अलग होता है, वो मसाने से आता है ना, ये मसाने से नहीं आता, ये अपर बॉडी से रिलीज होता है और ये अलहदा ट्रैक से आता है, इसीलिए ये नापाक नहीं है। यानी कि अगर कपड़े पे कोई, इसको मनी कहते हैं, अगर मनी कपड़ों वगैरह पे लग जाए तो उसके कपड़े नापाक नहीं, उसको बस खुरच के दाग साफ कर दी। और अगर किसी ने, वो वैसे है, वो हया का मामला है ना, दाग लगा होगा जाहिर है, पूछेगा क्या किस चीज का दाग है, नॉर्मल बात है, फिर क्या उस वक्त कहेंगे, तो झूठ बोलेंगे तो वो भी गलत है, सच बोलेंगे तो हया के खिलाफ है। तो इससे अगर दाग वगैरह लगा है तो साफ कर ले, अगर नहीं किया तो कपड़े में नमाज होगी, हाँ होगी, ये तहारत के मसाइल में आपको मिल जाएगी। तो ये गलत फहमी है कि ये जो है लोगों में, जैसे एक बार मैंने किसी लेक्चर तो नहीं था, बयान था एक मौलवी साहब का, कि एक गलीज नजस पानी तो अल्लाह तआला पैदा कर दे, नहीं, गलीज और नजस नहीं है, हकीर कहा है अल्लाह ने। हकीर से मुराद ये है कि अल्लाह कहते पानी के, हकीर से मुराद ये नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं है, स्पर्म की बड़ी वैल्यू है भाई, उसी से इंसानी नस्ल चलती है। अल्लाह सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पानी है ना, है तो वाटर अपनी रियलिटी में, उसके अंदर क्या है जिससे तुम पैदा हो जाते हो, मेरा हुक्म है, और गलीज और नजिस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये मसाने से नहीं आता, जो यूरिन ट्रैक है वो तो मसाने में पानी स्टोर होता है, वहां से हमारी बॉडी से निकलता है, वो नजिस है ना पाक है। जो ये वाला डिस्चार्ज है ये हमारी अपर बॉडी से होता है, हमारा जहन जो है, दिमाग जो है, जब वो फील करता है बॉडी के अंदर जोश, तो वो उस जोश के तहत बॉडी से स्पर्म रिलीज करता है, ठीक है। तो वो अपर बॉडी से रिलीज होते हैं और वो अलहदा ट्यूब होती है, अलहदा पाइप होता है, वो अलहदा ही सारा निजाम है, उसका पेशाब के निजाम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये पाक है और इसके लगने से कपड़े नापाक नहीं होते, और इसके साथ अगर किसी कपड़े पर इसका दब्बा या असर है उससे नमाज पढ़े, नमाज हो जाए, समझ गए। इन्नहू अला रजईही लकादिर, बेशक वही इसके लौटाने पर भी कादिर है। किसके लौटाने पर? इंसान के, जिसने पहली बार एक पानी के कतरे से इंसान को पैदा करके दुनिया में भेजा, अल्लाह कहते हैं वही दोबारा भी इंसान को लौटाने पर कादिर, दूसरी बार भी खड़ा करेगा। पहली तकलीफ भी पानी के कतरे से है, दूसरी भी उसी से होगी। हाँ जी, वो बारिश का कतरा जो गिरेगा, तो पानी में हयात है, जिंदगी का आगाज दुनिया में पानी से ही हुआ, ये तो कुरान भी कहता है, हमने पानी के साथ जिंदगी को शुरू किया, साइंस भी कहती है ये, सबसे पहले जब जमीन ठंडी हुई, ये बहुत अल्लाह भी कहते हैं, ये कुरान के अगेंस्ट नहीं है, ये ऐवें ही पढ़े बगैर ही बातें करते हैं। अल्लाह कहते हैं सब कुछ मिला हुआ था, फिर हमने इसको जुदा जुदा कर दिया, यही बिग बैंग थ्योरी, ये सारी यूनिवर्स इकट्ठी थी। अच्छा, कुरान ने पहले बयान किया है बिग बैंग थे ही, तो ये 200 साल पहले आई है, उन्होंने कुरान से ही निकाला है इसको समझ कर। हाँ, कि सारी जो यूनिवर्स है ये इकट्ठी थी, फिर एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी वजह से यूनिवर्स फटी और छोटे छोटे टुकड़े जाकर गिरे, जो गर्म रहे वो सितारे बन गए, जो ठंडे हो गए वो सैारे बन गए। हमारी जमीन भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हुई, जब इतनी काफी ठंडी हो गई और गैसें मिली, तो उनके मिलने से पानी पैदा हुई। अब इसमें ये कि पानी इस तरह पैदा हुआ या नहीं हमें नहीं पता, ये अल्लाह डिस्कस नहीं करता, ठीक है। पानी मौजूद था, अल्लाह पाक ने पानी से ही सब कुछ पैदा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले पानी अल्लाह ने पैदा किया और पानी से फिर सारी यूनिवर्स पैदा किया। अब उसमें ये है, यहाँ पर डिफरेंस आता है ओपिनियन का, लेकिन पॉसिबल हो सकता है कि वैसे पानी मौजूद हो लेकिन जमीन पर अल्लाह ने बाद में पैदा किया हो, ये तफसील हमारे पास नहीं है, लेकिन ये तयशुदा बात है कि जब पानी था, आया, मौजूद हुआ, तभी जिंदगी पैदा, पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं।
तो जमीन पर अल्लाह पाक ने पानी से जिंदगी पैदा की, और जिंदगी का ताल्लुक पानी से। एक बार मेरे बेटे मुझे कहने लगे, छोटे थे, अली जैन जो है ना, छोटे वाले मेरे बेटे, तो कहने लगे कि इक्वेरियम में ना, इक्वेरियम ये बाहर, ये तो अब लीक कर गया, शौक उसका था, तो फिर नहीं मैंने करवाया। जिम्मेदारी होती है हर लिविंग थिंग की, तो वो उसको बड़ा शौक था, तो मछलियां रखी हुई थी। तो कहने लगा मुझे समझ नहीं आता एक्वेरियम में से पानी क्यों कम हो जाता है। तो मैंने कहा मछलियां पीती हैं। तो सारे हंसने लगे, सब मेरे बच्चे भी बैठे थे, मियाँ भी, सारे हंसने लगे मुझ पर। मैंने कहा हंसते की क्या बात है, कहते मछलियां पानी पीती हैं, कह रही हूँ। मैंने कहा क्यों मछलियां पानी क्यों नहीं पीती, कहते पानी में वो तो रहती है, वो क्यों पियेंगी। मैंने कहा वो क्यों नहीं पियेंगी, कोई जिंदा चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो पानी के बगैर जी, आप चाहे वो एब्जॉर्ब करें या पिए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन पानी का इनटेक तो वो करती होंगी। मुझे पता नहीं था, मैंने कुरान के बयान पे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए अल्लाह पाक कहते हैं हमने जिंदगी का आगाज पानी से किया, तो पानी के बगैर कोई मखलूक नहीं रह सकती। आप चाहे वो पीती है मुंह से या वो अपनी स्किन से अब्जॉर्ब करती है, लेकिन पानी तो वो लेती है। फिर मेरे बेटे ने सर्च सुर्च किया, तो फिर वो बताने लगा कि हाँ वो ना पानी पीती भी है और स्किन से अब्जॉर्ब भी करती, पीती है पानी। तो मुझे कहने के मजाक करने लगे ना कि वाह आपको तो बड़ा पता है साइंस का। मैं कह रही मुझे साइंस का नहीं पता, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे कुरान का पता है। तो कुरान की बात गलत नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। हाँ ये हो सकता है कि हम किसी बात को गलत समझें, अंडरस्टैंड गलत करें, तो हम अपनी जो बोंगी मारे वो गलत हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज पानी पर खड़ी, तो इस जिंदगी में भी हमारी इब्तदा पानी से हुई, और आखिरत वाले दिन भी हमारी रीढ़ की हड्डियों पर पानी का एक एक कतरा गिरेगा, जस्ट वन ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसी से हम दोबारा खड़े होंगे। वाटर बैग नहीं होता, वाटर बैग नहीं होता, उस वाटर बैग के बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, ब्रस्ट हो जाए फौरन निकालना होता। अब देख लें, पानी के बगैर नहीं रह सकता। सुबहान अल्लाह, देख रही है अल्लाह के एहसानात है हमारे ऊपर, और वही पानी चाहिए, वो खास पानी है, उसके अंदर खास मिनरल्स हैं, अल्लाह पैदा करते हैं बॉडी के अंदर, देख लो। तो एक ऑपरेशन मैंने देखा था डिस्कवरी पर, वर्थ सिंह प्रोग्राम था वो, कि एक बच्चे का, जिनके वो तो बहुत साथ साथ देखते रहते हैं, तो वो बच्चे का सर का एक हिस्सा नहीं बन रहा था, यानी कि पूरी पूरा सर बन गया और सर के एक साइड में ना स्किन नहीं आ रही, तो लास्ट मंथ आ गया डिलीवरी का, तो वो रुक गई थी ना, वो नहीं बन रहा। फिर उन्होंने क्या किया कि मदर वोम निकाला, वो जो होती है झिल्ली जिसके अंदर बच्चा होता है, उसको काटा, पानी उन्होंने एक बॉल में डाला, बच्चे को निकाला, माँ के जिस्म से गोश्त का एक पीस लिया, उसे बच्चे के सर के उस हिस्से के ऊपर लगाया और सिया, फिर बच्चे को वापस मदर रूम में डाला, वो पानी वापस डाला, बैग को सिया, फिर मदर के पेट में, माँ के पेट में रखकर, तो टांग के लगाकर बंद किया, तो वो जो लास्ट उसका मंथ था ना, उसमें वो हील हो गया, खुद ब खुद हील हो गया, और वो बच्चा नॉर्मल, वरना वो नॉर्मल होता। तो मदर वूम के अंदर जो पानी है दैट इज स्पेशल, और उसके अंदर ये ताकत है कि वो जो उसकी सर्जरी बच्चे की हुई थी, उस पानी ने ही उस सर्जरी को हील कर दिया, और वो बच्चा नॉर्मल। वो पानी भी स्पेशल है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरतों के जिस्म के अंदर इस तरह के मिनरल्स बनते हैं जो नॉर्मली कभी नहीं बनते, इसीलिए फिर जब औरत प्रेगनेंसी से फारिग होती है, डिलीवर हो जाता है बेबी, तो फिर उसको ब्लीडिंग होती है, ताकि वो जितने एक्स्ट्रा मिनरल्स है ना जो उसकी बॉडी को नहीं चाहिए, वो बीमार हो जाएगी ना। लिहाजा आप देखें कि सिर्फ चीजें कम होने से हम बीमार नहीं होते। यूरिक एसिड क्या है? यूरिया हाई हो जाता है। तो कोई चीज हाई शुगर क्या है? शुगर हाई हो जाती है। बीपी क्या है? नमकियात बढ़ जाते हैं। तो किसी चीज का बढ़ना भी हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, तो लिहाजा वो बच्चे की बनावट के लिए, उसकी हड्डियां बनने के लिए, उसका उसकी स्किन बनने के लिए जो चीजें चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो ढेरों ढेर हमारी बॉडी में आ जाते हैं।
अब जब बच्चा डिलीवर हो गया, अब वो जो बाकी बच गए उनका क्या? वो फिर अल्लाह सुबहाना व ताला ब्लीड करवाते हैं, बॉडी को ब्लीड आउट कराते हैं, वो सारे बॉडी के अंदर, आपको पता है जिनरे जितने मिनरल्स हैं, जितनी चीजें, वो ब्लड के अंदर है, गोश्त के अंदर तो कुछ भी नहीं, गोश्त तो फोका है, तो वो सारे मिनरल्स वगैरह हैं खून के अंदर, वो फिर सारे जो गैर जरूरी मिनरल्स है ना, वो हार्ट पंप आउट कर देता है और उनको निकालता है, तो वो सारा कुछ जो है वो जमा होकर आता है लीवर में, लीवर उनको डिस्पोज ऑफ करता है किडनीज में, किडनीज मसाने में, और पेशाब का ट्रैक अलहदा है, और जो हमारा ये भैंस वगैरह का ट्रैक है ये अलग है, तो वो फिर सारा जो है ना वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है, सारा गंद मंद को निकल जाता है, इसलिए अल्लाह ने ये ब्लीडिंग का सिस्टम रखा है, ये नफास का सिस्टम रखा है, तो फिर औरत की वो सारी गैर जरूरी चीजें बॉडी से निकल जाती हैं, और इसको निकलना चाहिए, और इसके लिए ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो अच्छी तरह बॉडी को क्लीन करे, जैसे पुराने वक्तों में ये हेल्पिंग चीजें दी जाती थी, यखनियां, बड़े गोश्त की यखनी, हड्डियों की यखनियां बनाकर गुट की यखनी देते थे, तो वो बहुत फायदा मंद होता था। हाँ, वो आपकी बॉडी को अच्छी तरह क्लीन कर देती है ना, कावे बनाकर दिए जाते थे, वो अच्छी बात थी, उससे अच्छी तरह बॉडी क्लीन हो जाती है, वो सारे गैर जरूरी मिनरल्स निकल जाते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं थी, वो बच्चे के लिए, तो ये अल्लाह का देखे कितना अजीम शान निजाम। तब फिर औरत हेल्दी हो जाती है, तगड़ी हो जाती है दोबारा से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मदर वूम के अंदर जो पानी है वो नेचुरली इंतहाई सेहत बख्श है, उसके अंदर अल्लाह ने नेचुरली वो सिफतें रखी हैं, वो मिनरल्स रखे हैं जो बॉडी को बनाते हैं, ग्रो करते हैं, अफजाइश करते हैं, सेट करते हैं, तो वो 6 हफ्तों में, यानी के 8वें महीने के सेकंड वीक में उन्होंने ये ऑपरेट कर दिया था, उन्होंने वेट किया ना शायद खुद ही हो जाए, वो नहीं हुआ, तो 8वें महीने के सेकंड मंथ में उन्होंने ऑपरेट किया, और फिर उन्होंने, अब तो ऑपरेट करके बच्चे को डिलीवर करना था, तो उन्होंने फिर वेट किया 6 वीक, तो फिर 9वें महीने के आखिरी वीक में बच्चे को निकाला, तो उसका कोई जहर का निशान भी नहीं था, इस तरह हील किया मदन वूम के वाटर, तो ये आम पानी भी नहीं है, पर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पानी में रहता है बच्चा, और आप ये देखो कि हम पानी में सांस नहीं ले सकते, बच्चा लेता है, ये उसका निजाम। हाँ, बच्चा डिप्रेशन भी होती है, तो बच्चे को हर चीज का पता होता है, किसी तरह अल्लाह की कोशिश। बिल्कुल जी सही कह रही हैं आप, और मैं यही बात कहती हूँ। हाँ, और उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, और बाज अवकात होते हैं ना, बाज बच्चे सड़े हुए होते हैं, हम कहते हैं, कहते भी हैं, कहते बड़ा सड़िया है, क्योंकि जब वो बच्चा माँ के पेट में था तो माँ को सड़ा हुआ था, बच्चा माँ की हर चीज को फील कर रहा था, हर चीज उससे ले रहा था, उसकी पहली मेमोरी माँ के पेट में बन रही होती, तो अगर माँ रो रही है, आवाज आ रहा है, अल्लाह जी मैं मार दी जावा तो चंगा है, तो वो बच्चे की भी यही थिंकिंग बिल्ट हो रही होती, तो वो जब पैदा होता है तो हर वक्त बेचारा सड़ा पुजा ही रहता है, तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे हेल्दी हो, उनकी मेंटेलिटी हेल्दी हो, तो फिर उन औरतों को आप रिलैक्स करें, अगर कोई मसला है भी तो फिर उससे दरगुजर से काम, तो आप देखें कि जो अच्छा टाइम गुजारती हैं तो वो बच्चे बड़े हेल्दी और बड़े अच्छे होते हैं, तो ये बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो मैंने ना 2-3 दफा टेबलेट खाई थी, बाद में ना जब ना मुझे पता चला ना कि सब गुनाह है, मुझे तो अल्लाह की तरफ से ऐसे हुआ कि वो थी ना मिसकैरेज नहीं हुआ था, मैंने 2 बच्चों की बारी ऐसे ही हुआ, दोनों बारी ही हुआ था, मैंने फिर अल्लाह से तौबा की, और फिर मुझे इतने वैम आए, मुझे 9 मंथ की डिसेबिलिटी था हुई बच्चे में, फिर सब से माफ कर देना कि मैंने, अल्लाह ने किया और मैंने इस चीज को छुटकारा,
और फिर बाद में मेरे दिमाग उल्टे बसवट्टे आए जाहरी बात है, जाहरी कि बात कोई के नहीं खानी चाहिए थी, बच्चे का बस रोते हैं कोई कुछ के कोई कुछ के, क्योंकि मेरी फैमिली में तो यही है। ऐसे केस हो जाते हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ वही ना कि अल्लाह जिसे चाहता है दुनिया में लेकर आता है, बेशक बेशक बेशक, आप खुद क्या है आप कुछ नहीं कर जब सकते, अल्लाह ने कह दिया तो हो पाया। उसको रोकने वाला कोई नहीं। सही कहा आपने, बहन कह रही है कि उन्होंने अपनी लास्ट प्रेगनेंसी के टाइम उन्होंने चाहा कि बच्चा, यानी कि वो चाहती थी कि ना हो, इतने बच्चे बहुत हैं, तो उन्होंने असकाते हमल की मेडिसिन खाई, मगर माशाल्लाह बच्चा हुआ। बाद अजा उनको पता चला मेडिसिन लेने के बाद कि ये जायज नहीं है, हराम है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना इस्तिगफार की, और वो कहती मुझे डर था कि मेरा बच्चा जो है डिसेबल ना हो जाए, कोई डिसेबिलिटी ना हो जाए, पर वो कहती है अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ, और अल्लाह जिसको लाना चाहते हैं उसने आके रहना है। बिल्कुल सही बात है जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, तो वो गांव में रहते थे, तो उनकी एक कनीज थी, तो वो जर है, उन्होंने एज वाइफ रखी हुई थी अपने साथ, तो वो ये चाहते थे कि मेरी कनीज से औलाद ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिले और कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उजल जायज है? उजल का मतलब ये होता है कि फिजिकल रिलेशन के बाद डिस्चार्ज आउट ऑफ बॉडी करें। तो कहने लगे उजल करना जायज है? आपने कहा कि हाँ जायज तो है। तो कहने लगे कि असल मेरा, मेरी एक कनीज है, तो मैं उससे औलाद नहीं चाहता। आपने कहा आप उजल करते रहे, जिसने आना है वो तो दुनिया में आकर रहेंगे। तो कुछ अरसे के बाद उन्होंने बताया कि मेरी वो कनीज प्रेग्नेंट है, हालांकि मैं उजल कर रहा था। आपने कहा मैंने पहले ही आपसे कहा था आप करते रहे, जिस जान ने दुनिया में आना है आके रहे। तो बस असल बात यही है, ऐसी हुई, कोई प्लान नहीं था, 8 साल बाद बच्चा लगे, ऐसे ही हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी अनप्लैंड बच्चा हूँ। पहले मेरे सारे बहन भाई दो 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 साल बाद है, मैं अपनी मुझसे जो बड़ी बहन है उनके 6 साल बाद में बगैर प्लान की दुनिया में आ गई थी। बिल्कुल मरियम से पहले हुई थी, और प्लान के अलावा जो एक चीज है कि नहीं लगे मेरी स्टूडेंट एक थी, तो उन्होंने कैटोपी का वो कराया हुआ था ट्रीटमेंट, मगर ड्यूरिंग कैटोपी उनकी प्रेगनेंसी हुई, तो इनके डॉक्टर के पास जब वो गई तो उन्होंने कहा कि आपकी प्रेगनेंसी है, आपने कंसीव कर लिया है। तो चेक किया तो हैरान हुई, कहती कैटोपी तो आपकी ठीक है। फिर वो डॉक्टर ही कहने लगी अल्लाह ने जिस जान को भेजना भेजना ही है, फिर उन्होंने कैटोपी रिमूव की। तो बस जब किसी जान ने आने, हाँ जिसको अल्लाह ने भेजना है, हम तो ऐवे ही शोहे होते रहते हैं, हमारा प्लान प्लान तो उसके, उसने पहले से प्लान किया हुआ है कि इस खानदान की इतनी औलादें होंगी, और अल्लाह को पता है जी, सब कुछ अल्लाह को पता है। अभी सुबह मेरी एक स्टूडेंट मुझे बता रही थी, और बड़ा सच्ची बात है, मेरा दिल दुखा, बड़ी अपसेट थी, तो मैंने कहा कि आप क्यों इतनी अपसेट है यास्मीन? तो कहने लगी कि ना टीचर, आज बढ़िया दिल उदास है मेरा। मैंने कहा क्यों? कहने लगी कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ पढ़ने, उनका बेटा यूके में है, मेडिकल उसने किया है, और अब वो स्पेशलाइजेशन के लिए गया हुआ। तो कहती है कि उसके साथ उसका दोस्त था, तो उसको कैंसर हो गया लास्ट ईयर, तो वो खोत हो गया कल, तो आज यानी कि उसकी जो है बॉडी आनी है। तो कहती है कि वो ना 1 साल, यानी कि वो बच्चा तकरीबन बीमार रहा है, और आठ एक आठ आठ या 10 महीने, तो कहती है कि वो मुसलसल कोशिश करते रहे कि उन्हें वीजा मिल जाए, 3 दफा अप्लाई किया मगर वीजा रिजेक्ट हो गया। तो एक तो जवान बच्चा मर गया, वो तो अल्लाह का हुक्म, और इतनी बड़ी आजमाइश के जवान बच्चा कैंसर जैसे मर्ज से वहां लड़ रहा है अकेला, माँ बाप यहाँ पर है, पैसे हैं, सब कुछ है, वीजा ही नहीं मिल रहा, नहीं जा पाए, मत क्या वो बेचारा अकेला वहां पर। तो यानी कि मुझे इतना हो रहा था कि उनके माँ बाप की क्या कैफियत होगी, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, पर चलो इंसान मिल लेता है, इंसान हाल पूछ लेता है, इंसान पास बैठता है, कोई मोहब्बत करता है, कोई खिदमत करता है, जिंदगी तो जो अल्लाह ने लिख दी। लेकिन उन माँ बाप के दिल की क्या कैफियत होगी कि 1 साल से उनका बच्चा कैंसर जैसे मुसीबत से लड़ रहा है, और ये इसका ट्रीटमेंट बहुत तकलीफ दे, अल्लाह माफ कर दे, मैंने ट्रीटमेंट होते देखा है लोगों का, तो वो बहुत तकलीफ दे ट्रीटमेंट है, और उसके ऊपर फिर तन्हाई, तो बस कॉलेज के फ्रेंड वगैरह ही देखते रहे उसको, तो अब वो बेचारा मर गया। तो वो कहती है मेरा बड़ा दिल, टीचर बहुत परेशान था, तो ऑनेस्टली उनका तो परेशान था, मेरा तो सुनकर इतना घबराया। तो हम ये कहते हैं ना, कितने बच्चेबाजों का होता है, इंसान कहता है जी मेरे 5 बच्चे, मेरे 6 बच्चे, हाय बच्चे तो 2-3 ही होने चाहिए। आपको क्या पता किसकी जिंदगी, किसने आपकी जिंदगी में चले जाना? अब ये हमारे इधर नेबर हैं, तो अल्लाह का हुक्म है, 4 बेटे 3 बेटियां, बड़ी फैमिली थी,
तो इनके तीन बेटे फोत हो गए आखिरकार। सबसे पहले एक बेटा फोत हुआ, उसको हार्ट अटैक हुआ, फोत हो गया। फिर दूसरा बेटा डेंटिस्ट था, बस अचानक ही जीत बीमार हुए, हॉस्पिटल लेकर गया, पता भी नहीं चला फोत हो गया। और ये कोरोना से पहले की बात है, ऐसा नहीं कि कोरोना शोरोना। और अभी परसों एक तीसरा बेटा जो उनका है, और वो उसको यानी कि रिक्शा ने हिट किया तो गिरे हैं, हॉस्पिटल ले गए, जाहिर ही बात है। तो होश में ही नहीं आए, दिमाग की चोट आई थी। अगले दिन सुबह हो तो ये हम सोचते हैं, यानी कि अब सात बच्चे थे उनके, सात में से तीन पोत होंगे, ये अल्लाह को पता, वो जानते, हमें क्या पता क्या होंगे। तो अल्लाह की इनायत है औलाद, जो अल्लाह दे खुशी से कबूल करे। और फिर वही बात है कि कत्ल, दो चीजें माफ नहीं होनी, कुफ्र और शिर्क, और कत्ले नाहक माफ नहीं होनी। और कत्ले नाहक वो भी बच्चे का, और बच्चा भी अपना, अल्लाह नहीं माफ करे, बहुत गंदा जुर्म है। तो इसमें तो कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, इस्तिगफार हर चीज का हल है, वो फिर अल्लाह की तरफ, वो मामला अल्लाह की तरफ। लेकिन ये है कि इसको रोकना चाहिए, इसको मना करना चाहिए। और देखिए अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है, वो कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, बहुत खिदमत करते थे, 10 साल आपके पास रहे, तो आखिरी दिनों में आप बीमार थे, तो नस बहुत खिदमत करते थे, बहुत खिदमत करते, हर वक्त आपके साथ लगे रहते, तो आप बड़े खुश हुए। तो अनस को दुआ दी, कहने लगी अल्लाह अनस के माल में बरकत दे, अल्लाह अनस की औलाद में बरकत दे, अल्लाह अनस की उम्र में बरकत। तो ये दुआ आपके लिए 3 बार की। तो अनस ने उम्र भी लंबी पाई माशाल्लाह, तकरीबन 97 90 या 99 के होकर फोत हुए, लंबी उम्र पाई। रिस्क भी बहुत था माशाल्लाह, तो कहते थे मैं मिट्टी को हाथ लगाऊं तो सोना हो जाती है, यानी उनके बाग वगैरह था, उनको हिस्सा मिला ना फतुहात में से, बाग वगैरह था, तो माशाल्लाह पैदावार ही बड़ी होती थी उनका। उस जमाने में लाखों में टर्नओवर आता था सालाना, तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, यानी कि वो रखे हुए थे ना मुलाजिम वगैरह, वो देखभाल करते थे, और अल्लाह के फजल से बहुत पैसा था। और अल्लाह पाक ने औलादे भी दी, पोते पोतियां हुए, चार नस्लें एक वक्त में थी, यानी कि खुद अनस, फिर उनके बच्चे बच्चों के बच्चे, क्योंकि लंबी उम्र पाई। तो जब वो फोत हुए हैं तो उनके बच्चे, उनके पोते पोतियां और पोते पोतियों के बच्चे, टोटल जो औलादे हयात थी 84 लोग। माशा, हमारे तो दो बच्चे हो जाए जबासी, हमें बच्चा और नहीं चाहिए। आपको क्या पता, अल्लाह को पता, अल्लाह पे छोड़ जी। अगर अल्लाह ने दो बच्चे देने हैं तो तीसरा वैसे ही नहीं हो, पर अगर अल्लाह ने देना है तो अल्लाह देखे रहेगा। हाँ, फजूल बात है, फजूल बात है। सुबहान अल्लाह, औलाद तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह दे तो ले। फिर वही बात है, मेरी एक स्टूडेंट है, ये बच्चे वगैरह तो पहले हो चुके थे, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, जाहिर है मुझे उम्र में है। तो ये जब इसी तरह बात हो रही थी इस बात पर कि असकाते हमल अबॉर्शन जायज नहीं है, तो वो कहने लगी कि टीचर अगर शोहर मजबूर करे, मैंने कहा फिर भी हराम है, अड़ जाए क्या करेगा शोहर, लड़ेगा लड़ ले। तो फिर वो बताने लगी कि हमारे चार बच्चे थे, तो फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मेरे शोहर ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी लड़ाई हुई, बड़ी लड़ाई हुई, यानी कि मेरे शोहर ने यहाँ तक कहा कि तुम ना फरमान हो तो मैं तुमसे राजी नहीं हूँ। तो कहती मेरे का जो चाहे कर लो, मैंने बच्चा नहीं अपना गाया था। फिर अल्लाह ने उनको बेटी दी, खैर जब बेटी हो गई तो फिर वो प्यार करते थे, फिर नॉर्मल हो गया सब। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान पहले शुरू में जब तक अबॉर्शन हो सकता था, उन्होंने पूरा जोर लगाया, लेकिन वो नहीं मानी, उन्होंने नहीं माना, तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह बेटी आई। तो फिर वही बात है कि फिर होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया, बहुत प्यार किया, सब कुछ हुआ। अच्छा, जब बड़ी हुई बच्चे वगैरह, जाहिर है, तो बच्ची 18 साल की थी, 18 या 19 साल की, मेडिकल पढ़ रही थी, तो अब्बा बीमार हो गए और उनका लीवर फेल हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। पूरे खानदान में से सिर्फ उसी बच्ची का लीवर मैच हुआ। लीवर जो होता है ना, ये आधा हो सकता है, आधा करके दे देते हैं, दोनों का ग्रो कर जाए, ये हमारा वाहिद बॉडी पार्ट है जो ग्रो कर जाए। तो उन्होंने बच्ची का आधा लीवर अब्बा को दिया, तो फिर माशाल्लाह दोनों की 1 साल की बड़ी एहतियात थी, तो माशाल्लाह बच्ची भी ठीक रही, कभी लीवर ग्रो कर गया, अब्बा का भी ग्रो कर गया। तो वो फिर को बात ये है, अगर वो बच्ची ना आती तो अब्बा जी को लीवर कहाँ से मिलता है, ये
ये अल्लाह का प्लान था ना, अल्लाह को पता है क्या होना है। सारा खानदान देने को तैयार था, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, फैमिली बड़ी अच्छी जुड़ी हुई आपस में, भाई वगैरह तक देने को तैयार थे, बच्चे भी बेटे भी तैयार थे, पर मैच ही नहीं हुआ किसी का। क्रॉस मैच जिसका होगा उसी का देंगे ना, तो सिर्फ उस वाहिद पूरी फैमिली में से उस एक बच्ची का, यानी कि ये टोटल जो है 26 लोग थे जो लीवर देना के लिए रेडी थे, लेकिन 26 में से सिर्फ एक इस बच्ची का लीवर मैच हुआ, जिसको वो नहीं चाहते थे कि दुनिया में, तो फिर वो दुनिया में ना आती तो लीवर कहाँ से आता। तो अल्लाह के प्लान है जी, वो प्लानर है, उसको पता है वो क्या दे रहा है क्यों दे रहा है, और जो नहीं दे रहा क्यों नहीं दे रहा, ये भी उसी को पता है, वो बेहतर जानता है। जो दरवाजा उसने बंद किया है, उस दरवाजे के बंद होने से कौन सी मुसीबत रुक गई है हमें क्या पता, अगर वो दरवाजा खुला होता तो हम किस मुसीबत में पड़ते, वो भी वो जाने। तो जादुओं से तवीजों से कोई औलादे नहीं रोक सकते, वो रब है, सब उसके हुक्म से हो। जिन्हें अल्लाह दे वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जिन्हें अल्लाह ना दे वो भी शुक्र अदा करे, फिर वही बात है, पता नहीं मैंने किस मुसीबत से बचाया है। जो दरवाजा बंद हुआ है, उस बंद दरवाजे के पीछे कौन सी आफत छुपी बैठी है, वो आप लोगों ने पता नहीं कहानियां पढ़ी है कि नहीं, मैंने बचपन में बड़ी कहानियां पढ़ी है, बहुत शौक था मुझे। तो एक दास्तान थी बड़ी लंबी, 7 हिस्से थे उसके, उसका नाम था दास्ताने तलिस्समे होशरुबा, तो जादू वगैरह की कहानी थी। एनीवेज तो उसमें एक ये नहीं होता है हुजराए हफ्त बला, एक कमरा होता है जिसमें 7 बलाएं होती हैं और वो जादू से लॉक होता है, तो वो फिर खुलता है और बड़े मसाइल पेश आते हैं। तो हुजराए हफ्त बला, पता नहीं जिस दरवाजे को अल्लाह ने बंद किया है उसके पीछे कौन सा हुजराए हफ्त बला है जिससे अल्लाह ने बचा रहा। तो अल्लाह का प्लान सबसे बेहतरीन प्लान है। अल्लाह फरमाते हैं वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मा, अल्लाह से बेहतर फैसले कौन कर सकता। ठीक है, अच्छा एक बात ये है, आजकल जो माशाल्लाह ये एक हमारा महीना है, जिन दिनों में आपकी क्लास होती है ना, आप लोग जोहर और असर मिला लिया, क्योंकि असर का थोड़ा सा समटाइम लेट हो जाता है, तो जोहर के साथ मैं भी यही करती हूँ, क्योंकि ना करने की सूरत में फिर असर खतरे में पड़ सकता। अच्छा जी, तो अल्लाह के राज सबसे बेहतर है। तो अल्लाह पाक कहते हैं मैं जो एक कतरे से इंसान पैदा करता हूँ, मैं इस बात पर भी कुदरत रखता हूँ तो उसी इंसान को दोबारा खड़ा करूँ। पहली पैदाइश भी पानी के एक कतरे से और दूसरी पैदाइश भी पानी के एक कतरे से हुई। यौमा तुबलस्सराइर, ये वो दिन है जब जांचे जाएंगे सारे राज। तुबला का मतलब है आजमाना, चेक करना, टेस्ट लेना, और सराइर राज, इसरार की जमा है, जितने राज हैं सब खोल दिए जाएंगे उस दिन, हमारे नामे खुल जाएंगे ना, जो भी बड़े बड़ी क्वेस्ट है, बेनजीर साहिबा को किसने कत्ल किया, लियाकत अली खान का कातिल कौन थे, अर्जाउल हक को किसने मारा, इतने सारे सवाल हैं, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे जी। फमा लहुम मिन कुव्वतिन वला नासिर, नहीं होगी इंसान के पास उस दिन ताकत ना मददगार। हमारे अपने अख्तियार में कुछ यहाँ भी नहीं है, मगर हम समझते हैं बड़े ताकतवर हैं, बजाहर अल्लाह ने कुछ जराए दिए हुए, तो कयामत के दिन तो वो जाहरी जराए भी नहीं होने, और मदद किसने करनी है, किसी ने नहीं। अल्लाह कह रहे हैं वला नासिर, तो ये जो कहते हैं फलाने बाबा जी बचा लेंगे, अल्लाह अल्लाह। कल वो एक बंदा बोल रहा था, सच्ची बात है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कहते हैं कि जब कोई मरता है ना, मलकुल मौत किसी को मारने आते हैं तो बस रूह कब्ज कर लेते हैं, लेकिन जो बंदा किसी पीर से मुरीद हो, पीर की इजाजत के बगैर मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज नहीं कर सकते। अस्तगफिरुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, शिर्क है ना, वाज़े शिर्क है, अस्तगफिर, कोई नहीं आएगा जी, कोई नहीं आएगा बेचारे, कोई भी नहीं आएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, दुनिया में तो आप मुझे बहुत याद करते हैं, आप मुझे हशर के दिन याद करेंगे, आपने कहा आयशा 3 मौकों पर कोई किसी को याद नहीं करेगी, नामाए अमाल मिलते वक्त, नामाए अमाल तुलते वक्त, और पुले सरा, और आपने वाजे कहा कि जब मैं जन्नत में चला जाऊंगा फिर मैं जिब्राइल से पूछूंगा, ये अलहदा हदीस है, 2 अलग अलग हदीसें, कि आप कहते मैं जन्नत में चला जाऊंगा, उसका पहला भी सारा है, मैं वो नहीं इस वक्त बयान कर रही, तो जन्नत में चला जाऊंगा और जन्नत में जाकर मैं जिब्राइल से पूछूंगा, तो आप कहते हैं मैं जिब्राइल से तब पूछूंगा कि जिब्राइल मेरी कितनी % उम्मत जन्नत में है, कितनी जहन्नुम में,
फिर जिब्राइल बताएंगे, फिर आप मगफिरत के लिए अल्लाह से अपील करेंगे जो इंशाल्लाह कबूल होगी। लेकिन ये जो बातें हैं बाकी सब झूठ है, ठीक है? तो कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा जी, अल्लाह के नबी मदद करेंगे, कुरान मदद करेगा और कुरान की महफिलों में साथ बैठने वाले। तो फिर एक ही हल है, कुरान और सुन्नत से जुड़ जाए। वस समा इज़ाते रज, कसम है आसमान की जो पलटने वाला है। वल अर्ज इज़ाते स्वाद, और आसमान की कसम है जो फटने वाली, जमीन की कसम है जो फटने वाली है। आसमान के पलटने से मुराद है दोबारा पैदा किया जाएगा, जमीन भी दोबारा पैदा की जाएगी। फटने से मुराद है जमीन से सारे इंसान निकल आएंगे ना। इन्नहू लकौलुन फसल, ये तो फैसला कुन बात है। कुरान मजीद जो है ये आखिरी कलाम है। वमा हुआ बिल हाजिल, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। कुरान मजीद भी और कयामत का आना भी, ये फैसला कुन बातें हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इन्नहुम यकीदुना कैदा, बेशक वो बड़ी चालें चल रहे हैं। फअकीदु कैदा, मैं भी अपनी चाल चल रहा हूँ। कुफार इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। वो अपनी कर रहे हैं, अल्लाह अपनी कर रहा है। तदबीर किसकी गालिब आएगी? अल्लाह की। अभी थोड़ा वक्त है हमारे लिए मुशक्कत वाला, निकल जाएगा। बस हमें अपने ट्रैक पे चलना, बस। फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, बस मोहलत दे दीजिए काफिरों को, थोड़ी सी मोहलत है जो उनको दी जा रही है। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने मोहलत दी है तो आप भी इनको मोहलत दें। मोहलत से मुराद ये है कि आप थोड़ा सब्र करें। हमें भी यही, ये हमारे लिए है ना। हम इस वक्त में बैठे हैं जब हर तरफ से हम पर घेरा तंग है, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फैशन इंडस्ट्री, जादू जाड़ फूंक, जिन जिनात, फाइनेंशियल प्रेशर, हर तरफ से इन्होंने हमें, पॉलिटिकल जो है अनस्टेबिलिटी, हर तरफ से इन्होंने हमें मुसीबत डाली, घेरा हुआ है हमें। और लग ये रहा है कि कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है, शायद हमने मिट जाने, हमने तबाह हो जाने। कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं होगा ऐसा, अल्लाह का दिन वाली बात। क्योंकि अब कोई और नबी नहीं आना ना, तो हम ही उठेंगे और हम ही काम करेंगे। कि थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, दसाकशी चल रही है, लेकिन ये भी अल्लाह की तदबीर का हिस्सा। तकदीर अपने जाल बुन रही है, अपने वक्त पर सही हालात सामने आ जाएंगे। तो परेशान ना हो ना, हम तो मिटने वाले नहीं। इकबाल ने बड़ी सच बात कही है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशान हमारा। हम मुसलमान हैं, हम आखिरी उम्मत हैं, नकम्मे हो गए हुए हैं, लेकिन बाकी हम नहीं रहना, क्योंकि और कोई उम्मत हामिले कुरान नहीं है। तो ये है कि ठुड्डे इसलिए पाड़ेंगे जाग जाए, थोड़ी मार खाएंगे। आप देख लें हमारे आज के बच्चे जो हैं वो हमसे बेहतर है, हम अपने माँ बाप से बेहतर। अल्लाह उनकी कब्रें ठंडी रखे, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, लेकिन हमने जो हालात देखे, हमारा शऊर उनसे बेहतर हुआ, और हमारे बच्चों का शऊर हमसे बहुत बेहतर, और जो अगली नस्ल आएगी वो इनसे बहुत बेहतर होने वाली है। आप खुद सोचे, जो बच्चे हमारे माँ बाप के वक्त में जो बच्चे थे, जिनके उनके जो एज फैलो थे, ऐश कर रहे थे, मजे कर रहे थे, जिंदगी एंजॉय कर रहे थे, कोई मसला ही नहीं था। इराक में, फलस्तीन में, इनके तो ये हालात थे ही नहीं, वो रूलिंग पार्टी थे, मजा कर रहे थे। फिर जो हमारी एज के बच्चे आए, इराक से निकाले गए, यमन से निकाले गए, फलस्तीन में कैसे मर रहे हैं बेचारे, अपने हाथों अपने बच्चे दफन कर रहे हैं। अब उनका शऊर, उनके माँ बाप वाला लेजी शऊर नहीं हो सकता। वो अपनी गलतियां मान रहे हैं, हाँ ये गलतियां हमसे हुई, ना होती तो आज हमें ऐसे तबाह ना कर सकते। फर्क आया ना? तो जो बच्चे गोदों में हैं और जो पाँव पाँव चल रहे हैं और वो बेचारे यानी कि तकलीफों में पल रहे हैं, तो वो कैसे होंगे लेजी बगैर? उनको तो पता होगा कि हमें हमें या जीना है या हमें जलील होना। तो हमें तो नहीं जलील होना, तो फिर वो डिफरेंट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, वो जनरेशन ही अलग उठेगी। तो ये मुसीबत जो है ना, ये दरअसल हमें होश दिलाने की, तो इसमें से अल्लाह खैर निकाल दे। तो अल्लाह कहते हैं ये जो आप पर परेशानी है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वक्ती है, ये काफिरों के लिए लल टाइम है, थोड़ा सा लल पीरियड है, अभी भी काफिरों के लिए लल पीरियड है। परेशान ना हो, हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हमारी तरबियत हो रही है, ताकि हम बिस्मिल्लाह। ये जो लोग हैं, ये जो कुफार हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमें तबाह कर देना चाहते हैं, ये हमारे बड़ों ने तो सोचा ही नहीं ना, उन्होंने दोस्तियां बनाई, हम इसमें से गुजर रहे हैं।
और जो बच्चे हैं वो सबसे बड़ा इसका शिकार हो रहे हैं, तो वो फिर और सोच के साथ बड़े होंगे, उनका जहन और होगा, उनके पास कोई सहारा ही नहीं है, ना दौलत है, ना पैसा है, ना घर है, बेघर हो गए। हमारे बच्चों के पास कुछ है? कुछ नहीं है। वाहिद सहारा कौन है? अल्लाह। अब उनके पास एक ही रास्ता रह जाएगा, या अल्लाह की तरफ पलटा या जलील होते रहे, तो फिर अल्लाह की तरफ पलटेंगे। तो इस तंगी के अंदर, इस तकलीफ के अंदर खैर, फाइनली इसका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, तो अल्लाह खैर फरमाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको बरकतें अता करे, आमीन। कल इंशाल्लाह 3 बजे मिलेंगे, अगर मसरूफियत हुई, मुझे भी पता नहीं, कल जुमा तो मुबारक है ना, तो अगर बच्चों ने आना हुआ तो मैं मैसेज कर दूंगी, फिर क्लास नहीं हुई, तो अगर बच्चे ना आए तो कल क्लास हुई, ठीक है, सुबह। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आप। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।